फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे एक खजूर का केक। इसके लिए मैंने कुछ खजूर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो खजूर मैंने लिए, ये 10 से 12 एक कप मैदा के लिए। पहले हम उसके अंदर जो बीज है उसको निकालेंगे। सभी को पता है खजूर में कितना हेल्थ बेनिफिट है। इसमें ढेर सारे फाइबर, शुगर है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे बोन एंड ब्रेन को डेवलप करता है। सबसे बड़ी बात है जो खजूर हमें इमीडिएट एनर्जी देता है, इसलिए ये जो खजूर का केक आप बोल सकते हैं बेस्ट केक, क्योंकि इसमें हम अंडा देंगे, मिल्क, दूध मिलाएंगे, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। आप बोल सकते हैं ये बेस्ट टिफिन रेसिपी। आप जब टिफिन देते हैं स्कूल में तो ये केक आप बनाकर जरूर दीजिए। इसमें सब कुछ बच्चों को मिलता है। दूध है तो कैल्शियम है, अंडे है तो प्रोटीन है, और खजूर है तो अब मैं तो बता रही हूँ कितने सारे मैंने उसमें है, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, शुगर, बहुत कुछ, विटामिन, सब कुछ है। तो आप जो मेरे साथ एंड तक ये वीडियो आप देखिए। सबसे बड़ी बात है, जितने भी हम केक बनाए अभी तक, खजूर का केक सबसे सॉफ्ट होता है। जब आप बनाकर घर में ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देखें, हमने सारे बीज को निकल दिए है। अभी हम क्या करेंगे, एक बाउल में जो खजूर को दूध के साथ 5 से 10 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे। मैंने एक कप दूध लिया है। पाँच से दस मिनट के बाद उसे हम क्या करेंगे, ग्राइंडर जार लेंगे। ग्राइंडर जार में उसे ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमारा मिक्स हो गया। उसका कलर भी देखिए, कंसिस्टेंसी भी देखिए। 5 से 10 मिनट आपको अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन हैंड बीटर है तो ये बहुत कम समय में हो जाएगा। अभी हम जो खजूर को ग्राइंडिंग करके रखा है उसे इसमें मिलाएंगे। तो सारी चीज को अच्छी तरह मिलाएंगे। अभी हम एक कप मैंने मैदा लिया है, 2 कप अंडे के लिए 1 कप मैदा दिया है। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच। सभी को हम एक छन्नी में एक कप मैंने कोको पाउडर लिया है उसे भी छान लेंगे। इतना ऑप्शनल, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं स्किप कर सकते हैं। इसे कलर थोड़ा सा जो चॉकलेट केक जैसे दिखता है ऐसे ही दिखेगा। तो अच्छी तरह हमने छान लिया। अच्छी तरह मिलाएंगे सभी चीज को। ये केक आप जरूर घर में बनाइए। अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में लिखिए। वेनिला एसेंस 1/2 चम्मच मिलाएंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसे जगह पर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी जो केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी नट्स, जो काजू मैंने पहले से फ्राई करके रखा है,
सभी चीज़ को अच्छी तरह मिलाएंगे। बैटर का कंसिस्टेंसी देखिए, ये केक हमने कढ़ाई में बेक करेंगे। आप चाहे तो उसे आप ओटीजी है तो ओटीजी में भी कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कढ़ाई में करूँगी क्योंकि सभी के पास तो ओटीजी और ओवन नहीं होता, इसलिए मैंने वो कढ़ाई एक लिया है। पहले हम प्री हीट करेंगे। प्री हीट के लिए इसमें हम जो नमक, ये प्री हीट का काम करेगा, एक लेयर नमक देंगे, उसे अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रेड करेंगे हम। जब केक हो जाएगा तो ये नमक को आप फेंकना नहीं, ठंडा होने के बाद फिर एक जार में रख दीजिए, फिर भी नेक्स्ट टाइम जब केक बनाना चाहते हैं तो वही नमक आप यूज करें। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम प्रीट होने देंगे। अभी हम केक का एक टिन मैंने लिया है, जहीं पर मैं केक बेक करूँगी, स्क्वायर साइज़ का केक टिन लिया है। आपके पास जो भी है उसमें आप बना सकते हैं, जो साइज में है। पहले हम नीचे इसमें जो नीचे ऑयल ब्रश करेंगे, चारों तरफ ऑयल ब्रश करेंगे। और नीचे आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसे भी थोड़ा सा जो मैदा डस्ट करके भी आप जो बैटर को डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो बटर पेपर नहीं है, मैंने प्लेन पेपर को इसी साइज़ के कटिंग कर लिया है। इस साइज से कटिंग करके ऐसे उसके ऊपर और थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे, ये बटर पेपर जैसा काम करेगा। तो हो गया हमारा बटर पेपर। अभी थोड़ा सा मैदा इसमें स्प्रेड करेंगे। उसके बाद चारों तरफ ऐसे अभी हम इसमें जो बैटर हमने हमारा जो खजूर का बैटर वो डालेंगे। 2-3 मिनट के लिए फिर से आप मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अभी थोड़ा सा हम टेप करेंगे, उसके बाद जो काजू डेकोरेशन करेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी और नट ले सकते हैं, जैसे पिस्ता ऐसे। बच्चों के लिए बना रहे तो अच्छी तरह आपको जो डेकोरेशन करना है, हमारा जो ऑलरेडी प्री हीट हो गया हमारा कढ़ाई, अभी हम टिन को ऐसे डायरेक्ट बैठे रखेंगे।
इसमें मैंने नीचे कुछ टान नहीं दिया है, ये धीमी आंच में 20 से 25 मिनट लगेगा उसे बेक होने में, लेकिन बीच बीच में आपको देखना पड़ेगा उसे कवर अच्छी तरह आपको, तो आपको 20 से 25 मिनट में हो जाएगा, लेकिन बीच में आपको देखना पड़ेगा हुआ कि नहीं, यदि नहीं हुआ तो और 5-7 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जो नमक नीचे है, ये नमक मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारे केक भी शेयर किया है, आपने देखा होगा कितने सारे केक मैंने आपके साथ शेयर किया है, यही जो ओवन में नहीं बनाया, कढ़ाई में बनाया है, इसमें स्टैंड भी था, लेकिन अभी मैंने सिर्फ नमक में डायरेक्ट बसाया है, वो जो हम टिन केक का टिन डायरेक्ट मैंने बैठा बसाया है, इसे भी अच्छी तरह फूलेगा आप देख सकते हो। 25 मिनट के लिए हम वेट करेंगे, 25 मिनट्स हो गया, अब हम चेक करेंगे हमारा जो केक हुआ है कि नहीं, देख सकते हैं जो नाइफ मैंने लिया है वो नीट एंड क्लीन निकल आया, इसका मतलब वो केक ऑलरेडी बेक हो गया। आप चाहे तो उसे जो प्रेशर कुकर में ही बना सकते हैं, मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारे केक आपके साथ शेयर किया है जो प्रेशर कुकर में बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं जो वीडियो मैंने बनाया है आप तो देखेंगे, लेकिन पहली बार जो देख रहे हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इसे पास में जो बेल बटन है उसके भी क्लिक करें, तो मैं जो मेरा नया वीडियो है आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए, ऐसे ही कुछ नया इनोवेटिव रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ये केक देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, जब ठंडा हो जाएगा तब हम डिमोल्ड करेंगे, लेकिन पहले उसे यहाँ पर निकालेंगे, आप देख सकते हैं केक हमारा कितना फूल गया, कितना सॉफ्ट भी हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा ऑलरेडी तो गर्म है फिर भी थोड़ा सा दिखाती हूँ ऐसे, तो ज़रूर आप केक घर में बनाए सभी को अच्छा लगेगा, ये मेरा गारंटी है। फिर ये कि एक हेल्दी केक आप बोल सकते हैं, एक हेल्दी केक है जो सभी के फॉर ऑल एजेस के लिए ये केक है, तो मेरा चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा तो कमेंट करें, लाइक शेयर करें, आप जो फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर है उसके साथ भी आप शेयर करें, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नया रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।